जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत सारे बच्चे का मेरे को क्वेश्चन भी आता है या आपने भी फील किया होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में देश में जो कोरोना का हाल चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इफेक्टेड भी हो रहे हैं, लेकिन इफेक्टेड नहीं हो रहे जो गांव विलेज में जो बच्चे रहते हैं वो अभी तक इफेक्टेड नहीं हो रहे। और आप भी अगर चाहते हो इफेक्टेड ना हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो आपको हमेशा फॉलो करनी है। जैसे काली मिर्च हो गई, इनका काढ़ा बनाएं, काली मिर्च, अदरक, गुड़ और भी इसमें जैसे जो भी मसाला टाइप का जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है वो चीज़ें डालिए। अदरक हो गई, काली मिर्च हो गई, गुड़ आ गई, जो तुलसी के पत्ते हो गए वो मिक्स करके इनका काढ़ा बनाइए, डेली काढ़ा पिए, दूध में हल्दी मिला के पिए डेली, तो इससे आपका शरीर का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता जाएगा, तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये नहीं बोल रहा बिल्कुल ही नहीं होगा, सावधानी भी रखनी है, मास्क भी लगा के रखना। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जान आपकी है सरकार की नहीं, सरकार को दोष देने से पहले अपने आप को दे। जान आपकी है सरकार की नहीं, सरकार बाद में सिर्फ खेद जताएगी कि हमको खेद है कोरोना योद्धाओं के लिए, आप इस पर ध्यान ना दें। जान आपकी है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपको पूरी सावधानी रखनी है, मास्क लगाने रखना है। जितने भी बच्चे तैयारी करें अगर बाहर जाते हो तो मास्क का यूज़ करना है, सावधानी रखनी है, हाथ को सैनिटाइज करना है, ऐसे ही ज़्यादातर आदत डाल लें। अगर नाक को आप पहुँचना तो ऐसे पहुँचे, मुंह पहुँचना तो ऐसे ही पहुँचे, इन बातों का आप विशेष ध्यान रख लें, क्योंकि जान किसकी है बेटा, जान है आपकी, आपके परिवार की, सरकार की नहीं। ठीक है, सरकार काम कर रही है अपना, वैसे सभी सरकारें काम कर रही है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है, तो इसलिए काढ़ा वाढ़ा पीता रहना। एक फिजिकल एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना ज़्यादा हो सके अगर आपके पास में कोई गार्डन है तो चप्पल वप्पल निकाल के खुले पैर से घूमें, ताकि उससे भी आपका इम्यून सिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा करनी है। रनिंग वनिंग करने से पसीना जब शरीर से बाहर आता है तो उनको कोरोना नहीं आता है। दोस्तों मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी कोरोना के टाइम पे भी ड्यूटी किया हूँ, लेकिन फिर भी आज तक हमारे साथ में ना मेरे को ना मेरे साथ वाले किसी भी दोस्त को अभी तक कोरोना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, 5 से 10 किलोमीटर की रनिंग, इसके अलावा एक्सरसाइज करते हैं, तो शायद हमारे शरीर में आके भी चला गया हो तो पता नहीं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि कोरोना की वजह से क्या आपको हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो उसके बारे में जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों अगर आपको कोरोना हो गया तो आपको भी पता है आपकी तैयारी तो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो अभी प्रेजेंट टाइम है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम में कैसी सुविधाएँ, सुविधाओं की बहुत ही कमी है, तो उससे भी आपको फिर समस्या हो जाएगी, तो इसीलिए आपको कोरोना से बच के ही रहना है। अगर किसी कारणवश हो जाता तो उससे क्या होता है कि आपको पढ़ाई, आपकी स्टेट पहली बात तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी होगी, आपके शरीर की ताकत भी काफ़ी कुछ खींच लेता है। अगर किसी को दो बार कोरोना हो गया तो उसको पूरा ही निचोड़ लेता शरीर को, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता उस इंसान को, तो इसलिए अगर वैक्सीनेशन लग रही है, अगर आपको वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन लगा लीजिए, कोई नुकसान नहीं है वैक्सीन का दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, हमने भी लगाई है दोनों डोज, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक दिन हल्की फुल्की फीवर भी आती तो वो उसका वैक्सीन का असर है, तो उसकी वजह से आपको चिंतित नहीं होना। अगर आपको वैक्सीन लगाते हैं, गाँव में भी किसी के लगाते हैं या शहर में भी किसी के, जैसे बूढ़े बुजुर्गों के भी लग रही है 45 साल प्लस, फिर छोटों पर भी आ जाएगी, बच्चों में भी कोरोना आ रहा है इसलिए उन पर भी आ जाएगी, तो लगवा लेना, वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और उसकी वजह से फिर आपको दूसरी बीमारियां पकड़ लेने से आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक आप तैयारी करने में फिर आपको भी पता है कि डलनेस इतनी आ जाएगी कि उस शरीर को वापस अपने जहाँ पर अभी आपका शरीर है उसी लेवल में आने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा, उसी लेवल को कवरअप करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक बार आपका अगर ढीला पड़ा तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा कवर करते करते। तो इसीलिए जो चीज़ें मैंने बताई है, एक तो वो पीते रहिए, खाते रहिए, अगर आप तैयारी करने वाले एक जवान है अगर आप, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा करनी है, चाहे कुछ भी करे, पसीना शरीर से बाहर आना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलते घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में रह के केवल एक छोटी सी ग्राउंड सीट पे भी आपका पसीना इतना ला दूंगा कि सूखेगा नहीं, आपकी करने की सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, वहीं पे भी साइड जंप कर सकते हो, अप जंप कर सकते हो, पैरों को ऊपर नीचे कैसे भी करके, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप एक जगह खड़े खड़े कर सकते हो, तो वो एक्सरसाइजेज करते रहना है ताकि शरीर से पसीना बाहर जाता रहे, इम्यून सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा, काढ़ा हमेशा पीते रहना है। कोरोना की वजह से कोई मेडिकल पॉइंट आपको नहीं होगा, उसके लिए चिंतित नहीं होना है, ना ही अगर किसी बच्चे को अगर कोरोना हो जाता है तो उसको इस प्रकार से निराश होना कि उसका फिर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या एसएससी जीडी के में या आर्मी के में, कोई भी मेडिकल में आपको कोरोना का कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी पाए जाते हो अगर उस समय, तो भी आपको कोई बाहर नहीं करेगा, अभी प्रेजेंट टाइम में
जो ज्वाइनिंग किए सीआरपीएफ में या बीएसएफ में, उनमें से बहुत सारे बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनको किसी को घर नहीं भेजा, उनको क्वारंटाइन रख के 10-12 दिन में ठीक हो जाने के बाद ज्वाइन करा लिया। तो सोचिए उनको ज्वाइन करा लिया तो आपके भी मेडिकल में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको निजी तौर पे उससे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आपको डिफेंस में या किसी भी मेडिकल वेडिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।